1500 गायों में एक गाड़ी हरे चारे की आती थी। पैसे गवर्नमेंट इनको 2.25 करोड़ से भी ऊपर दे रही है, फिर भी उनका कुछ आधा भी खिलाया जाए तो ये हालत नहीं होनी थी जो आज के टाइम पे यहाँ हुई थी। डेली से 30 से 35 गाय यहाँ मर रही थी। उस समय कितनी गाय आप कह रहे हैं डेथ हुई थी, जिस टाइम 34 गायों की बात कर रही थी? उस टाइम पे 70 या 80 के बीच में, यहाँ मतलब 2-3 दिन की जो गाय मरी थी वो सारी हो गई थी टोटल काउंटिंग जो थी। उसके बाद में भी रिपोर्ट में आने के बाद भी 2-3 दिन यहाँ गाय रही हैं, उसके बाद भी मरी हैं। जब एमसीडी का महकमा भी यहाँ मतलब सब कुछ आ गए थे, डॉक्टर वोक्टर भी, उसके बाद भी यहाँ कुछ गाय मरी हैं। जैसे अभी के समय में हमने देखा कि यहाँ पे कोई गाय नहीं है, तो अभी कहाँ चली गई है, क्यों ट्रांसफर कर दिया गया? आस पास की गौशाला में ट्रांसफर करवाई गई है, क्योंकि यहाँ ना तो उनके खड़े होने की बैठने की व्यवस्था थी, ना ढंग से कोई खाने पीने की। दिन प्रतिदिन डेली गाय मरती जा रही थी, मतलब घट नहीं रही थी कोई, ना कोई पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना और कुछ मतलब खाने का अच्छे से समाधान था। कौन लोग जिम्मेदार हैं आपको लगता है, कौन लोग जिम्मेदार हैं सबके? जिम्मेदार तो गुरु छाया चला रही थी, और ये हमारे गांव का ही है एक श्याम सुंदर, लेकिन उनका तो कुछ बिगाड़े ही नहीं जा रहे हो, तो जो कर रहे थे आरोपी तो बाहर घूम रहे हैं, वो तो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम इस गौशाला को चलाएंगे, लेकिन ये गौशाला हम चलाने देंगे गाँव वाले परेशान, क्यों डेली प्रतिदिन यहाँ गाय इतने मर रही थी, तो उससे गांव भी कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको कि गायों के नाम पे या फिर गौशालाओं के नाम पर देश में सिर्फ राजनीति होती है? चूंकि सिर्फ राजनीति है और धंधा बना चुके हैं लोग इनको, मरो के भी पैसे लेते हैं, जिंदा के भी पैसे लेते हैं, मरी हुई भी बिकती हैं। जिंदा तो अपने इनको वैसे मारना है इनको, कोई मतलब जिंदा गायों का पैसा गवर्नमेंट से लेते हैं, गवर्नमेंट एक गाय का 40 या 45 रुपए कुछ देती है, जो इनको खिलाए तो जाता नहीं। डेली यहाँ गाय मतलब 20 से 30 गाय मर गई थी। संदीप जी आपको क्या लगता है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उसके लिए यही है जी, जो इसके संचालक है हमारे गाँव का श्याम सुंदर और एक साथ ही गुरु छाया है जो इसके पहले चलाते थे, अभी 2 साल से श्याम सुंदर चला रहा था। पहले भी काफी गाय मरती थी, अब भी काफी गाय मरी थी इसमें बारिश के टाइम में। इस टाइम पे तो ये भूख प्यास से मर गई थी, उसमें हमने वीडियो भी डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी, उसमें भूसा भी नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी की मोटर जो थी समर्सिबल था वो भी खराब हुआ था। हमने अपने खर्चे से पानी भी चलाया खेतों में से, जमींदारों से लेके खाड़ वाड़ फैला के उनका इंतजाम भी किया, लेकिन वो हमें घुसने नहीं देते थे, पुलिस बुला लेते थे, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते थे, इसलिए हम गाय की ढंग से सेवा पानी नहीं कर पाए थे, इस वजह से पुलिस आ जाती थी वहाँ से। घूमनहेड़ा के लोग अभी के समय में क्या चाहते हैं, गौशाला बननी चाहिए, दूसरी बननी चाहिए, या फिर अभी की गौशालाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? नहीं हम तो नहीं चाहते, क्योंकि तो पाप था, हम गाँव के लोग तो काफी खुश है इससे, क्योंकि बदबू भी आती थी, गाय मरती थी, उसकी बीमारी भी फैलती थी ना गाँव में, उससे कुत्ते भी पागल होते थे, उनका मांस खाते थे, उसको निकाल निकाल के वहाँ से, कोई व्यवस्था नहीं थी, एमसीडी की गाड़ी भी नहीं उठाने आती थी जब तक कुत्ते उसका मांस खा जाते थे, कुत्ते फिर गाँव के पशुओं को भी खाते थे क्योंकि उनको खून मुँह लग गया था। नहीं अगर ठीक से संचालन हो तो क्या गौशाला यहाँ चल सकती है घूमनहेड़ा की, अगर हम बात करें? हाँ ठीक से संचालन हो तो चलेगी, इसको ढंग से मैनेजमेंट करके इसको चलाया जाए तो हम भी चाहते हैं कि जो पशु रोडों पे घूम रहे हैं उनको भी रहने के लिए ठिकाना मिले, लेकिन उसको ढंग से चलाने वाला तो कोई चाहिए, यहाँ तो सिर्फ एक धंधा है ऐसे मारने के लिए, तो उनसे बढ़िया वो यही है कि वो अपने आजाद घूमे, यहाँ उनको मारने से अच्छा तो यही है, अगर ठीक ढंग से इसको चलाया जाए तो इसमें गांव भी साथ हो सकता है।